हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। गाइस, अभी एक पीआईबी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक ब्रीफिंग जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट में बताना चाहूंगा। साइड में आप लोग इस इमेज को देख रहे होंगे। देखो, सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो ये चैन ऑफ इवेंट्स हो रही है, इनको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग किया गया है। पहले आप देख सकते हैं, पैराग्राफ में ये मेंशन है कि एनआरएससीटी आएगा। ये बजट सेशन में बहुत पहले अनाउंस किया जा चुका है। उसके बाद कॉमन एग्जाम्स होंगे, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया आरआरबी, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज टू आपका बैंकिंग है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने थोड़ी सी दी है कि हमारी एक एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, वो पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रही है, और एक इंटर एलआई कॉमन सिलेबस जो है वो इसके लिए बनाया जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं कि ये जो एक चैन ऑफ इवेंट है, ये पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देखो, आईबीपीएस ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया था तो उन्होंने भी एनआरए का थोड़ा सा जिक्र तो किया था। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अभी कोई ऑफिशियल ये नहीं कहा गया है कि अब से इन्फोर्स किया जा रहा है, ये इसका सिलेबस होगा। कमेटी बैठाई गई है, कमेटी सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रही है, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डोमेन में आएगी तो एक सर्कुलर जारी करके हम सभी को बताया जाएगा कि कॉमन जो आपका फेज वन है, इसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि तैयारी तो यही हो रही है ना कि सारे एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, इन सब का जो टीयर वन फेज वन का एग्जाम है, उन सबको एक सिंगल एग्जामिनेशन कराया जाए। तो इसके लिए सिलेबस भी आएगा, इसके लिए कमेटी प्रॉपर बैठी हुई है। तो अभी कोई ऐसा सर्कुलर जारी नहीं हुआ है कि ये सारी चीज़ों को इन्फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, केवल एक ब्रीफिंग राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके द्वारा दी गई है। तो इसी सारी चीज़ों को पीआईबी में एक सर्कुलर के फॉर्मेट में डाला गया है। ठीक है, तो बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो एग्जाम्स आपके ऑनगोइंग चल रहे हैं वो अभी ऐसे ही होंगे। आईबीपीएस का कैलेंडर है वो भी आपका एज फॉर इट इज़, मुझे लग रहा है ऐसे ही रहने वाला है। और आगे अगर कोई चेंजेस होगा तो हम सभी को एक सर्कुलर के माध्यम से बताई जाएगी। और आप लोग करंट अफेयर्स फंडा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके पास हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आता रहे। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।